हमीरपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 महीने के कार्यकाल को विफल बताया। डोगरा ने प्रदेश भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने चुनावों के समय बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन धरातल पर आज कुछ भी नहीं है। भाजपा ने जनता को झूठे सवजवाग दिखाए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि आज भाजपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों में जनता को कई झूठे वायदे किए और सत्ता हासिल की, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं उन्होंने कुल्लू मनाली में हुई त्रासदी के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि मनाली में हुई त्रासदी में किसी भी विधायक व सांसद ने कोई भी सहयोग नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे जो मेरा अपना आकलन है, इस सरकार का अभी तक 8 महीने का जो कार्यकाल है उसको आप एक सीमित शब्दों में इतना ही कह सकते हैं, गुड फॉर नथिंग। क्योंकि आप देखिए कि सरकार का जब कार्यकाल शुरू हुआ तो उससे पहले उनकी बड़ी सारी घोषणाएं थी, बड़े सारे वादे थे, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। चलिए हम ये मान लेते हैं कि वायदे पूरे करने में समय लगता है, लेकिन एक मैं बड़ी छोटी सी बात आपको याद कराना चाहता हूं और सभी दर्शकों को कि केरला में जब त्रासदी हुई थी जल की, तो पूरे हिंदुस्तान ने उसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग किया था। भाजपा सरकार ने केंद्र से भी और उनके एमएलए ने सबने फंड दिया था, लेकिन हमारे हिमाचल में जब जल त्रासदी मनाली और कुल्लू में हुई, आज तक कांग्रेस की, चले जाने दीजिए, हम मानते हैं कि विपक्ष में शायद वो सहयोग ना करें, लेकिन क्या भाजपा की सरकार के जो एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने अपनी तरफ से कोई राशि अपने फंड से दी? वो नहीं दी। तो मेरा ये सवाल है जयराम सरकार से कि उन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी के लिए भले ही केंद्र सरकार से कुछ नहीं लिया हो, लेकिन उनके एमएलए ने आज तक क्या किया कुल्लू मनाली के रख रखाव के लिए? सरकार निरंकुश हो जाएगी और प्रशासन का रवैया जो है लीपापोती वाला हो जाएगा, और सरकारी अधिकारियों को इस बात का कोई ज्ञान नहीं रहेगा कि हमें किसी को जवाब देना है या नहीं देना है। तो बिल्कुल ये अराजकता फैलेगी प्रदेश के अंदर, जो कि फैल रही है। आप देख लीजिए ऊना में अभी पिछले दिनों एक लापता युवक की हत्या हुई, उसकी लाश मिली है। उससे पहले कांगड़ा में जो एक महिला के साथ में कुछ घटना घटी थी, और इस तरह से अन्य जिलों में भी कुछ हुआ है। सोलन की आप त्रासदी लीजिए, जहां पे एक महिला अधिकारी को गोली मार दी गई थी सरेआम, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, अगर हम उठाना चाहेंगे तो हर जिले के अंदर कम से कम 2-4 मिल जाएंगे आपको। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया हुआ है, लेकिन उसमें भी सवाल ये खड़ा होता है कि जब गुड़िया कांड हुआ था तो भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने यह दावा किया था कि सरकार आते ही हम उसका मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन आज तक भी गुड़िया प्रकरण जो है ऐसा उलझा हुआ है कि सुलझने का नाम नहीं लेता, और मुझे नहीं लगता कि जयराम सरकार उस मामले को सुलझा पाएगी।